तो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल इवल रॉक्स गेमिंग कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे तो गाइस मुझे एक दो भाई का कमेंट आया था कि भाई हेलीकॉप्टर पे एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आओ तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताएं कैसे आप हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हो तो जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो भाई यहां पे हम सबसे पहले अपने हेलीकॉप्टर को जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये वाला हेलीकॉप्टर मैंने स्केच से डाउनलोड किया है तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो विंग्स है ये बिल्कुल सेपरेट है हेलीकॉप्टर से अलग है अगर आपका हेलीकॉप्टर का विंग्स जो है वो सेपरेट नहीं है तो आप लोग इसको सेपरेट कर ले तो अगर आपको नहीं पता है कि सेपरेट कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है उस वीडियो को आप लोग जाकर चेक कर ले बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और ऊपर दिए गए आई बटन में भी क्लिक करके आप उस वीडियो में जा सकते हो तो सेपरेट करने के बाद आप यहाँ पे विंग्स को सिलेक्ट कर ले और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में चले जाए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आपको रोटेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड रोटेशन जेड में जब आप वैल्यू को बढ़ाओगे घटाओगे तो इसके विंग्स जो है वो रोटेट हो रहे हैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो फिर आप यहाँ पे विंग्स को सिलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पे आप जेड रोटेशन में चले जाए जेड रोटेशन में यहाँ पे वैल्यू आप जीरो पुट कर दें और उसके बाद यहाँ पे आप राइट right क्लिक कर दे राइट right क्लिक करने के बाद इंसर्ट की फ्रेम दिया हुआ है इसमें आप क्लिक कर दे तो यहाँ पे वन फ्रेम में हमारा एक की फ्रेम डल चुका है तो इसी तरीके से हम अपने टू फिफ्टी फ्रेम में चले जाते हैं एंड फ्रेम में तो यहाँ पे आपका जितना भी फ्रेम है आप उसमें चले जाओ उसके बाद यहाँ पे हम जेड में हम वैल्यू को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हम एंड फ्रेम में हम दे देते हैं सिक्स थाउजेंड बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वैल्यू डाल सकते हो बाकी यहाँ पे साइड में भी ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट की फ्रेम डालने का तो इसको भी आप लोग क्लिक करके की फ्रेम डाल सकते हो तो यहाँ पे हमारे टू फ्रेम में भी की फ्रेम डाल चुका है तो अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि बिल्कुल सही तरीके से हमारे विंग्स रोटेट हो रहे हैं बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि आपके विंग्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तक आपका कंटिन्यूसली रन करे तो उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पे आप टाइम लाइन में ए प्रेस करके की फ्रेम को सिलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दें राइट क्लिक करने के बाद इंटरपोलेशन मोड दिया हुआ है यहाँ पे उसमें आप चले जाएं उसमें जाने के बाद यहाँ पे लीनियर दिया हुआ है इसमें आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे अब हम फिर से प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि कंटिन्यूसली रन कर रहा है कहीं पे भी स्लो नहीं है कहीं पे भी फास्ट नहीं है तो इस तरीके से आप हेलीकॉप्टर के विंग्स को रोटेट करा सकते हो अब हम इसको फ्लाई कराएंगे उसके लिए यहाँ पे आप सबसे पहले स्विफ्ट प्लस ए प्रेस कर दे और यहाँ पे आप एम में चले जाए टी में यहाँ पे आप प्लेन एक्सिस को सिलेक्ट कर लें फिर आप यहाँ पे एम को मूव करके ऊपर ले उसके बाद यहाँ पे आप एम और हेलीकॉप्टर दोनों को सिलेक्ट कर लें फिर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सेट पैरेंट टू ऑब्जेक्ट कर दें फिर आप यहाँ पे एम को सेलेक्ट कर लें और जीरो फ्रेम से आप थर्टी फ्रेम तक ले आए हम चाहते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर जो है ये थर्टी फ्रेम से उड़ना शुरू करे तो हम यहाँ पे थर्टी फ्रेम में आ गए और एम के ऊपर राइट क्लिक कर दे और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम और लोकेशन में आप क्लिक कर दे तो यहाँ पे हमारा थर्टी फ्रेम में एक की फ्रेम डल चुका है तो अब हम थर्टी फ्रेम से सिक्सटी फ्रेम में आ जाते हैं और अपने हेलीकॉप्टर को कर मूव करके ऊपर ले जाते हैं तो हम चाहते हैं कि 60 फ्रेम तक यहाँ तक उड़े हमारा हेलीकॉप्टर और हम यहाँ पे एम टी के ऊपर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी हम की फ्रेम डाल देंगे सिक्सटी फ्रेम में भी हमने एक की फ्रेम डाल दिया है तो यहाँ पे हम प्ले करके देख लेते हैं तो अब हम चाहते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर वन एटी फ्रेम तक आगे की तरफ जाए तो हम यहाँ पे वन एटी फ्रेम में आ जाते हैं और यहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर को भी मूव करके यहाँ पे आगे की तरफ ले आते हैं तो यहाँ तक हम चाहते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर मूव करे उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करे टू फोर्टी या टू फोर्टी फाइव फ्रेम तक उसके बाद उसी तरीके से हम हेलीकॉप्टर को मूव करके नीचे की तरफ ले आते हैं तो इसमें भी हमने की फ्रेम डाल दिया है तो अब हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि अब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है बिल्कुल सही तरीके से फ्लाई कर रहा है और लैंड कर रहा है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जब भी ये उड़ रहा है तो इसमें कोई मूवमेंट्स नहीं है कोई हिल डुल नहीं है भाई थोड़ा बहुत तो मूवमेंट्स होना चाहिए तो वो हम डालेंगे वो हम कैसे डालेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं फोर्टी फ्रेम में और यहाँ पे हम वाई रोटेशन में हम वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम की फ्रेम डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पे हम 52 फ्रेम में चले जाते हैं 52 फ्रेम में हम वाई रोटेशन का वैल्यू को हम कम कर देंगे और इसमें भी हम की फ्रेम डाल लेंगे उसके बाद यहाँ पे हम 45 फ्रेम में चले जाते हैं और एक्स रोटेशन में हम यहाँ पे जीरो वैल्यू में हम की फ्रेम डाल लेते हैं फिर उसके बाद हम सिक्सटी फ्रेम में चले जाते हैं एक्स रोटेशन में हम यहाँ पे वैल्यू को कम कर देते हैं और यहाँ पे हम की फ्रेम डाल लेते हैं तो यहाँ पे अब हम प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि आप थोड़े बहुत मूवमेंट्स हुए हैं तो इसी तरीके से हम आगे भी की फ्रेम को जल्दी से डाल लेते हैं तो यहाँ पे हमने सारे की फ्रेम डाल लिए हैं तो यहाँ पे अब हम प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा हेलीकॉप्टर जो बिल्कुल सही तरीके से फ्लाई कर रहा है तो इसी तरीके से आप किसी भी हेलीकॉप्टर को एनिमेट कर सकते हो फ्लाई करा सकते हो बाकी अगर आपको इस तरह की कोई और ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए तो गाइज आप लोग हमें कमेंट कर दे जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होगा उस टॉपिक पे हम वीडियो ले आएंगे तो गाइज आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और जो भी भाई लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो